नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात थाना डेरापुर क्षेत्र के बिहारी गांव समीप हाईवे का है, जहां मां वैष्णो होटल के मालिक सुरेश चंद्र यादव के संबंध में इंक्वायरी करने पहुंचे 30-35 पुलिस वालों के साथ कानपुर देहात एडिशनल SP घनश्याम चौरसिया ने होटल मालिक की पत्नी सीमा यादव से पति सुरेश यादव के विषय में पूछताछ की। जब पीड़ित सीमा यादव ने एडिशनल SP को बताया कि हमारे पति बाहर गए हुए हैं, इतना सुनते ही अपना आपा खोते हुए एडिशनल SP घनश्याम चौरसिया ने पीड़ित महिला के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब पीड़ित महिला ने गाली गलौज का विरोध किया तो जिससे नाराज होकर एडिशनल SP भद्दी भद्दी गालियों देते हुए महिला के साथ मारपीट करते हुए कहने लगे कि तुम सभी लोगों को ऐसा केस में फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रहोगे। इसी दौरान होटल में काम कर रहे लेबरों ने जब घटना का वीडियो बनाया तो लेबरों के साथ गाली गलौज करते हुए मोबाइल छीन कर सारे वीडियो डिलीट कर दिए। तभी लेबरों को जेल भेजने की धमकी देते हुए होटल को बंद करने को कहने लगे। जब इस घटना की जानकारी पीड़ित महिला के पति सुरेश यादव को हुई, जब वे आए और घटना की पूरी जानकारी लेते हुए पत्नी संग एडिशनल SP घनश्याम चौरसिया के खिलाफ कानपुर देहात SP केशव कुमार चौधरी, IG रेंज मोहित अग्रवाल, कानपुर देहात DM के साथ साथ मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारी सुरक्षा को लेकर नई नई योजनाएं लाते हैं, महिलाओं के खिलाफ शोषण करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात करती हैं, वहीं कानपुर देहात के जिम्मेदार कहे जाने वाली एडिशनल SP के द्वारा बिना महिला पुलिस के जांच के दौरान एक महिला के साथ मारपीट की गई, क्या इस महिला को प्रदेश सरकार न्याय दे पाएगी या नहीं, या इसी तरीके से कानपुर देहात पुलिस की दबंगई देखने को मिलती रहेगी। जब इसी पूरे प्रकरण में एडिशनल SP घनश्याम चौरसिया से फोन पर वार्तालाप हुई तब उन्होंने अपनी बात से अवगत कराया। आइए सुनाते हैं आपको एक पत्रकार एवं एडिशनल SP घनश्याम चौरसिया की फोन पर वार्तालाप को। सर जय हिंद। जय सर, जंग बहादुर सिंह बोल रहा हूँ सर, IP न्यूज से। जी जी बताएं सर, थोड़ी मुझे आपसे जानकारी लेनी थी, सोचा कि आपसे कुछ जानकारी ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। किस बारे में? मामला ये था सर कि एक ये डेरापुर थाना क्षेत्र के पास में कोई वैष्णो होटल है कोई, और वहाँ पे कोई पीड़ित महिला ने SP साहब को कोई प्रार्थना पत्र दिया है आपके खिलाफ। कि मेरे खिलाफ? जी जी जी, कि आप और IG साहब को भी दिया है, IG साहब को दिया है, DM को दिया है, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने फैक्स किए हुए हैं, तो ऑफिस से फोन आया था कि सर से बात कर लीजिएगा, क्या सच्चाई क्या है ये पूछना चाहते थे आपसे। नहीं तो कौन, अब हमको जानकारी नहीं, आप बता रहे हैं प्रथम प्रथम पत्र में क्या है ये तो है तो नहीं। ये सर है सुरेश चंद्र यादव है, पुत्र बलवीर सिंह, इनकी पत्नी है सीमा यादव, ये एक होटल चलाती है, माँ वैष्णो होटल है अपने डेरापुर थाना क्षेत्र के बलगुर हाईवे में, बिहारी गांव पड़ता सर। हाँ तो वहाँ पर पता ही चल रहा है कि 2-3 दिन पहले 30-35 पुलिस वालों के साथ में बिना महिला हेड कांस्टेबल के साथ में आप लोग गए हुए थे, तो बता रहे महिला का यही कहना है कि SP साहब ने मेरे साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की। अच्छा जी सर, नहीं ये सब एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था जी, और इस समय नाम हमको याद नहीं आ रहा है जी, उसके उस मुकदमे की जांच में मैं SOCO के गए थे वहाँ हाईवे पे, दिन में हाईवे पे डाला है, वहाँ पूछताछ की गई थी, जानकारी की गई थी कि वो फौजी कहाँ है, तो पता लगा वो नहीं है। जी जी, लेखपाल भी थे और पुलिस वाले भी थे जी सर, मैं भी था, तो उनसे जानकारी की गई थी सुरेश फौजी, उसके खिलाफ पहले बहुत सारे मुकदमे हैं। अब देखिए सर, ऐसा होता है ना कि अब इतनी बड़ी खबर थी, सोचा कि अब आपसे पूछ लें सच्चाई क्या है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो उसमें जानकारी करने गए थे जी, और उसमें आरोप था कि उन्होंने अवैध कब्जा किया जमीन पे जी, लेखपाल भी गए थे, लेखपाल ने कहा कि हमारे अधिकारियों से नाप जोख के बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा, अधिकारियों से आदेश हो जाएगा कि हम नाप जोख कर लें तो कितना वैध कब्जा है कितना अवैध है जी, ये जानकारी करने गए थे, तो वहाँ 3 लेखपाल थे और हम लोग थे जी, तो पता लगा सुरेश मुझे नहीं है तो हम लोग चले आए थे। नहीं तो वो महिला का ये कहना है कि जब मैंने ये बताया कि मेरे पति बाहर गए हुए तो एडिशनल SP ने गाली गलौज करते हुए हाथापाई की, मेरे साथ मारपीट की, उसमें ऐसा हुआ था सर ऑफिस से एक हमारे रिपोर्टर को भेजा गया था, ऑफिस से फोन गया था संपादक जी का,
तो खबर का प्रकाशन के लिए, तो वहाँ पर जब वहाँ पर ये बता रहे, महिला कह रही है कि एडिशनल एसपी ने मेरे साथ मारपीट की हुई सर, और ये कहना गलत है जी। और ऐसा कोई वो कोई औचित्य ही नहीं, कोई मारपीट कोई ना पुरानी रंजिश चल रही है ना कोई बात है, तो फिर मारपीट का कोई औचित्य नहीं। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर। नाम परिचय? सुरेश चंद्र। कहाँ रहने वाले? ग्राम बिहारी माँ वैष्णो। सर, जिस तरीके से आपकी पत्नी के द्वारा पता चल रहा है कि परसों कुछ पुलिस वाले आपके होटल में आए हुए थे, और कुछ क्या पूरा मामला सर? मामला जी ये है कि मैं बाहर गया हुआ था, मैं जब लौट करके आया तो मुझे पता चला, फोन पर बताया गया कि हाँ 30-35 लोग पुलिस के आए, एडिशनल साहब हैं, सीओ साहब हैं, इंस्पेक्टर अकबरपुर हैं, इंस्पेक्टर डेरापुर हैं, और यहाँ पर आए हैं। उन्होंने हमारे बारे में पूछा कि कहाँ गए हैं, तो मैसेज में बता दिया बाहर गए। सर, यहाँ पुलिस का आना चलो बहुत अच्छी बात है, आए कारण नहीं बताया, जब मिसिज ने ये बता दिया कि बाहर गए हैं तो उसके बाद मिसिज के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज किया। एडिशनल एसपी महोदय ने खुद कहा इंस्पेक्टर साहब से कि ये ऐसे नहीं बताएगी, इसके लट लाओ 5-6 मारो तब ये बताएगी, गाली गलौज किया। बच्चों ने वीडियो बनाया था, वीडियो डिलीट करवा दिया, कुछ वीडियो है जो कि आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मुझको ये नहीं मालूम है कि अगर कोई बात है मुझे बता देते, थाने बुलाते, मैं थाने आ जाता, कोई बात बताना चाहिए। शाम को 6:30 आए, कोई महिला पुलिस नहीं थी, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार, अपमानित करना। जब मैं आया लौट करके तो देखा कि रात में रो रही थी, सब अस्त व्यस्त मामला था, इतने भयभीत था पूरा परिवार हमारा, बच्चे सब भयभीत थे कि जैसे हम बहुत बड़े शूटर हैं या बहुत बड़े अपराधी हैं, जो कि आज तक हमारे खिलाफ जितना षड्यंत्र रचा गया राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, हमारे खिलाफ बराबर जो है राजनीतिक कुछ हमारे विरोधी लोग हैं उनके द्वारा, विधायक जी के द्वारा, और एक रीना यादव लड़की है वो मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहती है, न्यायालय से स्टे है 2014 से, अभी तक उनको रोका गया है मेरी जमीन पर कब्जा करने से। जब नहीं वो कोई पेश पाती तो हमारे खिलाफ इतने मुकदमे लिखवा दिए उसने 2018 से अभी तक, गंगेश्वर जैसे गलत तरीके से मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे गए, मेरे चाचा के खिलाफ मुकदमे लिखे गए जो कि कोई भी मुकदमा चाचा के ऊपर नहीं है, उनके खिलाफ जब 60 साल उम्र है उनके उनके ऊपर गंगेश्वर लगाया गया फर्जी तरीके से। जिस तरीके से पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जी आपकी पत्नी के साथ ने जो गाली गलौज जैसे कुछ कृत किए गए हैं जी, तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें क्या मांग करते हैं? मांग ये करना चाहते हैं, योगी जी की सरकार है, बड़ी अच्छी सरकार है, महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, नारी सशक्तिकरण और भी उनकी बहुत बड़ी योजनाएं हैं, अगर एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह का काम महिलाओं के साथ व्यवहार करेगा, कैसे जनता के ऊपर विश्वास रहेगा, कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे और कैसे व्यवस्था चल पाएगी? जिस तरीके से पुलिस महकमे के अधिकारियों द्वारा गाली गलौज की गई है, क्या आपने कहीं उच्च अधिकारियों को शिकायत की आपने भी? मैंने शिकायत की है, मैंने कल प्रार्थना पत्र दिया है, मुख्यमंत्री महोदय जी को भेजा है, डीजीपी महोदय जी को भेजा है, एडीजी साहब को भी भेजा है, डीएम साहब को भी भेजा है, और अपने एसपी साहब को भी भेजा है। अब हमारी कितनी मदद करते हैं ये अच्छे लोग हैं अधिकारी जिनको मैंने भेजा है, अगर वो इसकी जांच करा लें ईमानदारी से, अगर हम कहीं दोषी हों तो मेरे खिलाफ जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जैसे मुझे आशंका है कि पहले मुझे 5-6 मुकदमों में फर्जी फंसाया गया है, पुलिस बाजी है सारी मुकदमों में, कोई पब्लिक आदमी नहीं है, मुझे लग रहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस चरस जैसे कट्टे जैसे में हमको पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है, मुझे ये जानकारी मिली है इस सूत्रों से कि इसको चरस और कट्टा लगा के इसको जेल भेज दीजिए, इसको जेल में डाल दीजिए। क्या नाम भी आपका?
किस होटल में काम करते हैं? होटल जलपा। परसों किस बात को लेकर पुलिस आई थी? परसों 20-25 पुलिस वाले आए थे, हमारे मैडम के साथ बदतमीजी करने लगे, हिरासत में खुद हो गए, हमारे मालिक बाहर गए थे, हमें लेकर गिर कर क्या काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप लोग? मुजफ्फरनगर के हैं। तो पुलिस यहाँ पर परसों आई, आपकी मैडम के साथ में बदतमीजी की, किस तरीके से बदतमीजी की थी? हाथापाई करी थी। तो आप सभी लोग लेबर है, आप काम करते हैं? काम करते हैं।